हेलो गाइज, यू आर वेलकम बैक अगेन इन माई चैनल। तो गाइज, मेरे पास एक दो क्वेश्चन आ रहे थे कि सर, अगर हम MFA में अप्लाई करें तो हम किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो जो है हम रेडी करें अपना पोर्टफोलियो। देखिए, आपको पता है या आपको नहीं पता है, अगर आप इस वीडियो पे देख रहे हैं, देखिए मैंने बहुत सारी वीडियोज ऑलरेडी बना रखे हैं BFA के ऊपर और MFA के ऊपर, तो आप पहले वो वीडियोज देख लीजिएगा। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं MFA के लिए, तो MFA के लिए क्या जरूरी होता है, हमें इंटरव्यू देना होता है वहां पर, ठीक है। जो भी हम फोर्थ ईयर BFA में करते हैं, वो सब जो है आपको प्रेजेंटेशन वहां पर जो है देनी होती है, और वहां ज्यूरी सिलेक्ट करती है आपको इंटरव्यू के लिए, ठीक है। उसके लिए आपको पोर्टफोलियो प्रिपेयर करना होता है, तो पोर्टफोलियो आप किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे वो चीज आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा गाइज। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि किस तरह से आप पोर्टफोलियो बनाएंगे अच्छे तरीके से आप पोर्टफोलियो अपने, क्योंकि अगर आपकी जो है प्रेजेंटेशन ही अच्छी नहीं होगी, देखिए बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो गाइस, जो ज्यूरी बैठी रहती है वहां पर, तो उसका फर्स्ट इंप्रेशन इतना अच्छा होना चाहिए आप किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो प्रेजेंट करेंगे ज्यूरी के आगे। देखिए, ज्यूरी कुछ भी पूछ सकती है आपसे, और इसलिए मैं बोलता हूं कि आप अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग करिए अगर आप जो है MFA के लिए BFA के लिए तैयारी करें। देखिए, सारे लिंक जो है थ्योरी बुक के वगैरह वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड करके भी आप प्रिपरेशन कर लीजिए। आप न्यूज देखिए, ज्यादा से ज्यादा न्यूज देखिए, आर्ट हिस्ट्री के बारे में पढ़िए, ठीक है, सोशल अफेयर के बारे में पढ़िए, आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि ज्यूरी ये नहीं कि आपसे आर्ट के ही सवाल पूछेगी, कुछ सोशल लाइफ से रिलेटिव भी आपसे जो है क्वेश्चन कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हैं। देखो, इंटरव्यू आप समझ सकते हो क्या गाइज क्या होता है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा पोर्टफोलियो किस तरीके से आप बनाएंगे अपना, प्रिपेयर करेंगे, तो उस तरीके से आप बना सकते हैं अपना पोर्टफोलियो। तो अगर वो वीडियो आपको अच्छी लगे, पहले पूरी ये वीडियो देख लीजिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो गाइज, ये देखिए पोर्टफोलियो, 1, 2, 3 और एक नीचे स्केच बुक है, बाकी और भी मेरे पास पोर्टफोलियोज थे, अभी फिलहाल मैं यही दिखा रहा हूँ आपको। देखिए गाइज, इस तरह के की ये फाइल आती है, प्लास्टिक फाइल है, ठीक है, और इसमें अलग से आप लीव्स ले सकते हैं, तो आप ऐसा कुछ बाय कर सकते हैं। अगर मेरे को कुछ लिंक मिलेगा तो मैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और ये है रिज्यूमे, आप साथ में रिज्यूमे भी लगाएंगे अपना, ठीक है, आप देख सकते हैं ऐसा रिज्यूमे, तो उसमें टोटल आपकी जो डिटेल होगी वो सब आपको डालना होगा उसके अंदर। तो गाइज, इस तरीके का आपका जो भी वर्क हो, आपका ऑयल पेंट वगैरह ऐसा कुछ, आप उसके अंदर देखिए, एक अपनी ऑयल पेंट की, जैसे अगर आप पेंटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपना ऑयल पेंट की आपके पास पोर्टफोलियो अलग होना चाहिए एक अपना। अगर आपकी स्केचिंग है तो स्केचिंग के लिए अलग होना चाहिए। जैसे ये कि मेरा लैंडस्केप वर्क था, ये मैंने अलग से अपनी फाइल बनाई थी। तो जितना भी आप हो सके उतना आप जो है ज्यादा से ज्यादा अपना वर्क लेके जाइएगा वहां पर। पोर्टफोलियो देखिए गाइस, अपना अच्छे से होना चाहिए प्रॉपर। ये तो काफी पुराने हो गए हैं मेरे पोर्टफोलियो, और जो है आप पहले देखिए, मैंने तो फोटोग्राफ क्लिक करा के ये निकलवाए हुए हैं, बाकी आप प्रिंट भी ले सकते हैं। A4 साइज का जो फाइल है, A4 साइज की फाइल, ये आपको किसी भी स्टेशनरी से मिल जाएगी, या आप जो भी फाइन आर्ट का या कोई भी मटेरियल सेल करता होगा उसको मिल जाएगी। अगर कोई लिंक मिलेगा नीचे तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और ये अलग से जो है पेपर्स हैं, ये लीफ जो पोलोथीन की जो लीफ से ये अलग है, और इसके अंदर जो मैंने A4 साइज के जो पेपर जो डाल रखे थे अलग से हैं गाइज। तो इसके ऊपर मैंने अपने फोटोग्राफ जो है पेस्ट कर रहे हुए थे, ये मेरा कुछ पुराना काम है, बहुत सारे वर्क है मेरे पास गाइज। तो ऐसा कुछ आप दिखा सकते हो अपना वर्क, और देखिए ये वाले पोर्टफोलियोज हमारे ऐसे इस तरीके से आप रेडी करेंगे अपने पोर्टफोलियो। और कुछ आपके पास जैसे स्केच बुक्स हो जो आपने लाइव कुछ कर रखा हो, देखिए गाइज अगर आपको दिख रहा हो तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको जल्दी जल्दी। इसके अंदर जैसे कुछ स्केचेज है, लाइव पेन डायरेक्ट पेन से बनाई हुई स्केचेज है हमारी, तो इस तरीके से हम कुछ बना सकते हैं गाइस। ये हमारा पोर्टफोलियो हमारा MFA के लिए रेडी हो जाएगा, और साथ ही साथ में आपके 2 या 3 आपके ओरिजिनल वर्क आप जरूर लेके जाए वहां पर, अगर आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां पर। तो गाइज, ये तो अभी फोटोग्राफ थे, आप ओरिजिनल वर्क भी, जैसे स्केच बुक है, स्केच बुक आप देख रहे होंगे, तो ऐसी कितनी सारी स्केच बुक होंगी। आपने फोर्थ ईयर में बहुत सारा काम किया होगा, 4 साल आपको मिलते हैं BFA के अंदर, तो 4 साल में जो भी आपका काम हो वो सब आप लेके जाइएगा। और ज्यूरी के आगे जो आपको, जैसे ज्यूरी जो होती है गाइज, वो जो है किसी में ज्यूरी होती है 4 या किसी में 5, जितने भी वो जो होते हैं हमारे जो ज्यूरी होती है, तो उनके आगे आप एक एक पोर्टफोलियो आप जो है रख दीजिएगा। पोर्टफोलियो जो आप प्रेजेंट करेंगे, जैसे कि सीधा करके आप प्रेजेंट करेंगे, ऐसे ना दें उनको,
आप इस तरीके से दे जिस हिसाब से वो सीधा हो आपका पोर्टफोलियो, खोल के आप जूरी के आगे रखिए, जैसे 5 लोग हैं जूरी में तो सबके आगे एक एक पोर्टफोलियो आप रखिए सीधा करके, ठीक है गाइस। इस तरीके से आप जो है अपनी जूरी को जो है अपना पोर्टफोलियो जो आप देंगे, ठीक है। और साथ में ही गाइस जो जो आपका रिज्यूमे है, रिज्यूमे जैसे 5 जूरी है तो सबके हाथ में आप एक एक अपना रिज्यूमे निकाल के आप देते चले जाइएगा वहां पर, और जो भी वो क्वेश्चन पूछेंगे आपके काम से रिलेटेड वो, और जो आपके ओरिजिनल वर्क होंगे वो भी आप रखिएगा वहां पर। ओरिजिनल वर्क जो आप लेके जाए, ओरिजिनल वर्क ले जाने मस्ट है गाइस, उसके अंदर लिखा हुआ रहता है। और साथ ही साथ में आपको एक डेजिग्नेशन, एक आपको अपना वो लिख के देना पड़ेगा वहां पर कि आप एमएफए क्यों करना चाहते हैं, उसके बारे में आपको पूरा प्रॉपर प्रोसेस एक लेटर लिखकर आपको देना पड़ेगा अपना कि आप एमएफए में अगर आपको एडमिशन देंगे तो आप एमएफए में क्या क्या करेंगे, आपको क्यों देना चाहिए एमएफए में एडमिशन। वैसे देखो मैंने इसके बारे में एक वीडियो पहले ऑलरेडी बना रखी है, आप वो मेरे जो चैनल पे जाएंगे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी एमएफए इंटरव्यू के नाम से, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। पोर्टफोलियो जो है वो आप इस तरीके से आप जो है वहां पर बनाएंगे अपना, देख लीजिए मेरा पोर्टफोलियो किस तरीके का। एमएफए में जब मैंने एडमिशन लिया था तो उस दौरान के मेरे पोर्टफोलियोज हैं गाइज, तो ऐसे मेरे पास काफी सारे हैं, अभी मैंने 3 ही निकाल रखे हैं गाइज। तो जितना हो सके आप उतना काम अपना लेके जाइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।